यूपी से है मलीना जी, स्वागत है आपका। मैडम नमस्कार। नमस्कार मैम। डॉक्टर साहब नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब पहले एक बार और भी मिलाए थे तो पता ना हमारे नसीब खराब थे, शायद लाइन कट गया यहाँ से, पता नहीं है। तो डॉक्टर साहब आज फिर मिल गया तो मैं बहुत खुश हूँ, और आपसे और मैडम से बात करने से और खुश लग रहे मुझे। शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब एक बात है, ये जो दर्द तो है, मैं कालागुन तो ले रही हूँ मगर एड़ी में दर्द हो रहा है, इसकी क्या करूँ? कितने दिन से ले रहे हैं आप? हाँ, कितना फायदा है और कितने दिन से ले रहे हैं? डॉक्टर साहब वो जो घुटने में दर्द थी वो तो कम हो गई, पीछे की तरफ कुछ जो नाक है वो भी मोड़ नहीं रहे तो वो भी ठीक है, मगर ये जो एड़ी की दर्द जो है आज एक हफ्ते से हो गया, कम नहीं हो पा रही है। बच्चा ये बताइए आप कितने दिन से ले रहे हैं? कि 9 तारीख से ले रहा हूँ ये गोंद, ठीक है, काला गोंद। ठीक है, ठीक है। हाँ, और डॉक्टर साहब मुझे 2-3 सवाल और भी है। बताइए। हाँ, मेरे हस्बैंड है, वो उनकी उम्र है 58, तो उनकी खांसी जो है होम्योपैथी से हो गई, कभी एलोपैथी खांसी नहीं जा रही है, मगर कुछ निकालती नहीं है, खुशक खाती है मगर अंदर जैसे जैसे चूल पड़ती है, तो इसके लिए क्या करूं डॉक्टर साहब? ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, गौन सियाह तो आप छोड़े नहीं, और ये जो एड़ी में बचा है दर्द आपके, ये भी उसी से जाएगा, और ये उसी का अंश है जो आपके नसों में खिंचाव था, घुटनों में दर्द था, ये उसी का अंश बाकी रह गया है। यानी आप 80-90% अच्छी हो गई हैं, 10% रह गया है। अगर आप गलती कर रहे हैं, कोई जिन चीज़ों से मैंने आपको मना किया है वो कर रहे हैं, तो ये तद नहीं रहेगा, और अगर उससे आप बाज आ जाएं तो ये दर्द भी जाना चाहिए। देखिए मेरी 2-3 अनुरोध होते हैं आपसे। इलाज के दौरान वज़न ना उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें, और झाड़ू पोंछा भी ना करें, जो ज़मीन में बैठ के काम करते हैं ना, झाड़ू पोंछा जैसे, ये भी ना करें। ये मेरे आपसे अनुरोध है, नहीं तो ये बहुत दिन लगेंगे जाने में। अगर आप ये करते हैं तो ये छोड़ दें। गौन से और खाएं, 10% 20% रह गया है, बस वज़न ना उठाएं, और भगवान से मदद मांगें। और आपके पति के लिए बता देता हूँ, आपको तो यही नुस्खा फ़ायदा करना चाहिए पूरी तरह। इनके पति का खांसी है। देखिए एक आता है सपिस्तान, दवा का नाम है सपिस्तान। एक आता है उन्नाब, ये भी एक दवा का नाम है। और एक अलसी आती है, अलसी तो आप जानते ही होंगे। ये 100-100 ग्राम ख़रीद लें। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 100-100 ग्राम खरीदना क्या मुश्किल है। उन्नाब की गुठली निकाल दें, और 30 ग्राम आपके किचन के गरम मसालों में पीपला मूल होती है, पीपला मूल या पीपले कहते हैं, लंबी लंबी होती है, 1-1.25 इंच की, जैसे शहतूत होता है ना, ऐसी होती है, लेकिन वो सूखी भी होती है। ये एक तरह का गरम मसाला है। 30 ग्राम इसमें मिलाकर पाउडर बना लें, ठीक है। इस पाउडर को सुबह निहार मुँह यानी खाली पेट खिला दें, 1 चम्मच, और गर्म पानी या चाय पिला दें। ये दिन में 1 बार या 2 बार दे सकते हैं, एक रात को भी सोते वक्त खुराक दें। आपके पति का भी अच्छा होना मुमकिन है।